गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन जॉइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका सर्वनाम से, सर्वनाम कौन सा इसमें से नहीं है ये पूछ रहा है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बताना, छः। कौन कौन से होते हैं, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11। अब देखो ऐसे समझना, कौन आया, राम आया, तो कौन की जगह राम लिख सकता हूँ, तो ये तो सर्वनाम है। कोई आ रहा है, राम आ रहा है, उसने दिए, राम ने दिए, 10 गुना राम गुना हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, कौन आ रहा है ये क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्नवाचक। कोई क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट नेक्स्ट है विशेषण बताना, तो विशेषण कितने प्रकार का होता है बताओ, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। ठीक है, विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण पूछ रहा है तो गंभीर समस्या, समस्या कैसी हो सकती है, गंभीर, तो मतलब वाक्य प्रयोग कर लिया करो, ऐसे समझ लो। बुढ़ापा और इच्छा क्या है, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से, ये भी याद रखो, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, री की ध्वनि बतानी है, री कहाँ से बोला जाता है, तो देखो री और शा ये दोनों कहाँ से बोले जाते हैं बताओ, मूर्धन्य से। ठीक है, और या और शा ई ई ये कहाँ से बोले जाते हैं बताओ, तालु से। ठीक है, याद रखना। पार्श्विक क्या होता है, ला, ये याद रखना। और ये डा और डा द्विगुण होते हैं और शब्द की शुरुआत में कभी नहीं आते, ये उच्छिप्त। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है प्रत्यारोपण, प्रत्य प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण, आंसर आएगा सी। और इसमें कौन सी हो जाएगी, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है, या और बा से पहले आधे शब्द आते हैं, क्या आते हैं, आधे। ठीक है, आधे, और या और बा क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं, ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं पुल्लिंग, तो कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, वो याद रखो, नित्य पुल्लिंग या पुल्लिंग समझ लो कि पुल्लिंग में ही रखना उसे, दही, व्याकरण और एकांकी। ठीक है, और ससुराल स्त्रीलिंग में, ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो देखो आय बढ़ गई, व्यय हो गया, नहर अच्छी, लहर अच्छी, आय अच्छी, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, ओ मेरा सिर फटा जा रहा है, बाकी बाकी अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है बताओ, 8 प्रकार का। रचना के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3। कौन कौन सा, सरल, संयुक्त, मिश्र। अब देखो ये क्या, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तो आंसर क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, त्रिभुज में कौन सी समास है, समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ संक्षेप, समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, इतना याद रख लो। त्रिभुज 3 भुजाएं जिसकी, 3 क्या संख्यावाचक, तो आंसर आ जाएगा 2। अब भाई बाबू, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, याद रखना, बहुबली में अन्य पद प्रधान होता है, क्रमधार में विशेषण विशेष होता है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कह रहा है किसमें उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं, ये याद रखो। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, और ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जैसे मुहावरी वाक्यांश होते हैं ना, ये शब्दांश होते हैं। अब देखो ने धन डाल, इसमें है उपसर्ग, आंसर क्या आ जाएगा सी। निशाचर किसको कहते हैं बताओ, ये आप लोग बताना, राक्षस को कहते हैं वैसे, चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट, तद्धित प्रत्यय बताना, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं। तो देखो तद्धित पूछ रहा है, तो उससे लेना, पूजना, ये क्या हो गया, कृत प्रत्यय। तो जब ये दोनों कृत प्रत्यय हैं तो तद्धित पूछ रहा है, तो सभी तो हो नहीं सकते, बुराई क्या है, ये है तद्धित प्रत्यय, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है तत्सम शब्द होता है, तो देखो शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उसी में से तत्सम पूछ रहा है। तो देखो आंख क्या है, ये तो तद्भव है, सच का क्या बनेगा, सत्य बनेगा, सुहाग का क्या बनेगा, सौभाग्यवती, कहते हैं ना आशीर्वाद देते हैं सौभाग्यवती, ये तो विवाह क्या है, ये है तत्सम। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें कह रहा है होम्योपैथिक दिवस, तो देखो ये मनाते 10 तारीख को, 10 अप्रैल। अब देखो क्रिश्चियन हनीमैन ये थे होम्योपैथिक के जनक, ये याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, ये भी याद रखना। क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल 1948 को, WHO की शुरुआत हुई थी इसलिए मनाते हैं, ये याद रख लेना, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, देखो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अश्वेत महिला न्यायाधीश बन गई, कौन है, उनका नाम क्या है। देखो अश्वेत को कहते हैं ना ब्राउन कलर है इसका, ऐसे बोल देते हैं कई बार, तो देखो केतांजी ब्राउन जैक्सन, याद रखना। फ्रांसिस कैरे को प्रिट्जर पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखना। और ये किसमें दिया जाता है बताओ, ये दिया जाता है आर्किटेक्चर में, ठीक है। और पुलित्जर किसमें दिया जाता है, पत्रकारिता में, और ये मैंने प्रिट्जर बताया, याद रखना। ये देखो अश्वेत महिलाएं और करेंसी पे आने वाली पहली अश्वेत महिलाएं अमेरिका की। अब देखो नोगाजी ओकांजी इवेला, ये कौन है बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड हैं, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक योजना शुरू की, उसका नाम क्या, अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क। देखो हवा हवा में संपर्क हो जाता है ना, किससे, किसके माध्यम से होता है बताओ, आप हेली मतलब एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से, ऐसे याद रखो, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट AAI ने कौन सी योजना शुरू की है, तो इसने की है अवसर, कौन सी करी, अवसर, क्या है अवसर, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियन, 15 दिन के लिए जगह मिल जाएगी वहाँ पे शोकेस करने के लिए, ये है इसमें। AAI की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में, याद रखना। अच्छा ये बताना कि सिविल एविएशन का मंत्री कौन है,
ठीक है, जो पहले कांग्रेस में थे ना, अब वो आ गए किसमें, बीजेपी में, कुछ छोड़ के आए थे, अफसर है इसका, अफसर शुरू किया, ऐसे याद रखो, ए से AI, ए से अफसर, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो हाल ही में कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, लोगों की नौकरी खा जाता है, नौकरी खा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोगों को क्या पढ़ा देता है, झुंझुना, तो झुंझुनू, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, जयपुर को क्या कहते हैं इसमें, जयपुर को पिंक सिटी, कई बार पूछा गया पिंक सिटी कौन सी है, ठीक है, और उदयपुर को क्या कहते हैं, झीलों की नगरी, ये भी याद रखना, ठीक है, और नागपुर को क्या कहते हैं, संतरे की नगरी, ये भी याद रखना। अच्छा कुर्ग को क्या कहते हैं, कर्नाटक का जो कुर्ग है ना, इसको क्या बोला जाता है, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, अभी कह रहा है कि सी डी आर आई में शामिल होने वाला 30वां देश, तो देखो ये इसकी शुरुआत 2019 में हुई, याद मैंने कैसे रख रखा है, CDRI है ना, आई आई 9वें नंबर पे आता है, तो 9, अब बाकी तो पता ही है 2014 के बाद आई है सरकार 2019, ठीक है। अब इसमें बनाया मेडागास्कर, अब मैंने किसी से पूछा कि तुम मेड हो, तो उसने कहा ना ना, तो एंटानानारिवो क्या है इसकी कैपिटल, ये भी याद रखना, ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा, डी। अच्छा ये क्या है, श्रीलंका के साथ हम क्या कहते हैं, मैत्री अभ्यास करते हैं, ठीक है, आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में कोई भी धन 1.44 गुना हो जाता है, 1.44 गुना का मतलब क्या है, 100 से 144 हो गया, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे ना तो इधर 0 आ जाए, 2 वर्ष में कह रहा है, तो अंडर रूट लगा दो 2 का, अगर 3 कहता तो मैं 3 लगाता, वो उसी हिसाब से आपको इक्वेशन देगा, तो इसका 12 आ गया 10, इसका 12 आ गया 12, तो 10 पे 2 का प्रॉफिट, तो ये क्या आ जाएगा, 20%, नहीं 10 पे 2 का, तो 10 दिन दो 10 दूनी 20, एक सेकेंड रुको, 10 पे 10 से 12 हो रही है, तो 10 पे फ़ायदा कितने का मिल रहा है, 2 का, तो 100, 10 दाई 100, तो 20% आएगा, एक सेकंड कहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो अभी छोड़ दे रहे हैं, वैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20%, अभी छोड़ के रख रहे हैं इसे फिर भी, ठीक है, आप लोग भी एक बार बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 7 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, तो ये कह रहा है 64 गुना, 64 क्या होता है, 4 का क्यू, तो जो क्यू है ना इसी का 3 का मल्टीप्लाई साथ में कर दो, तो 21 साल में हो जाएगी 64 गुना। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति विराम के साथ, एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, दूर विश्राम के साथ 40 किलोमीटर की स्पीड, तो वो कह रहा है कितने मिनट विश्राम किया, तो कितने मिनट किया, 20 मिनट किया, कितने पे किया, सबसे बड़ी वाली संख्या को नीचे, गुणा 60, क्योंकि मिनट में बदल देते हैं, तो 20 किया 60 और 3 से कितनी बार कट जाए, 20, तो 20 मिनट उसने विश्राम किया, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखो, अब इस तरीके से कभी इक्वेशन आ जाए, तो यहाँ 2 है ना, तो 9, 7, 63, इन दोनों में 2 का गैप है, सही है, अब यहाँ जब माइनस है तो 7 ले लो, अगर इन सब के बीच में प्लस होता तो 9 हो जाता आंसर, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक फार्म में गाय और मुर्गी आए और उनकी सभी की गिनती की जाती है, 180 क्या है उनके सिर, 180 हैं, ठीक है, और पैरों की गिनती की जाती है, 420 हैं। अब देखो गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि सबके 2-2 पैर हैं, ठीक है, तो 8 × 2 = 36, तो 360 आते, बच कितने गए, ये एक्स्ट्रा कितने हैं बताओ, ये हैं 60, क्या है 60, तो ये जो 60 है ना इसके बटे 2 करो, तो ये जो संख्या आती है ना हमेशा निकल के, ये 4 पैर वालों की आती है, जो इसका 2 गुना करके घटा दो, घटा के जो संख्या बचे उसमें 2 का भाग देके जो संख्या आएगी वो हमेशा 4 पैर वाले की आती है, तो 4 पैर वाले 30 हैं, तो इसमें से 30 घटा दो, कितने बच गए मुर्गियाँ, 150। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि किस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में, तो 1/4 हो जाएगी, 1 इसमें जोड़ो 1 इसमें जोड़ो, तो 8/4, तो ये क्या आएगी 2 आएगी, तो ये तो हो नहीं सकती, इसमें 1 जोड़ो इसमें 1 जोड़ो, तो 4/12, ये क्या आ जाएगी 1/3, तो ये भी नहीं हो सकती, इसमें 1 जोड़ो इसमें 1 जोड़ो, तो क्या आ जाएगी 2/8, तो 1/4, ये सही बैठ रहा है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। मगर नेक्स्ट कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ने पर 1/3, तो इस वाली को भी सेटिस्फाई करके देख लो, अंश में 2 जोड़ो हर में 2 जोड़ो, तो क्या आ जाएगा 3/9, तो 1/3 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन से करके देखना। नेक्स्ट कह रहा है कि संभाव की एक संभाव में 20 विकर्ण है, तो इसकी भुजा पूछ रहा है, संभाव का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, n(n-3/2), ठीक है, बराबर कितने रखे 20, तो 2 ये उधर जाएगा, n(n-3) बराबर क्या आ जाएगा 40, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कोई सी उठा के रखो, 3 यहाँ रखूँगा तो 3 में से 2, 3 में से 3 या 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, बड़ी वाली रखते हैं, 8 × 8 में 3 गया तो 5, 8×5 = 40, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट, अब ये रीजन के क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अलग है, तो बिस्किट केक और ब्रेड इनको ना बेक किया जाता है और इसको चॉकलेट को ना फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसलिए चॉकलेट अलग है। नेक्स्ट, कई बार आया ये क्वेश्चन, याद रखना। अब देखो हरियाणा को ऐसे लिखा जाता है, दिल्ली को अलग हो गए, देखो क्या किया इसने, आर कितने बात है 18, तो इन दोनों को जोड़ दिया 8 और 1 9, मतलब जोड़ जोड़ के लिख दिया है, और अगर डबल डिज मतलब ऐसे समझो एच मतलब 8, तो ऐसे ही लिख दिया, एक मतलब एक, ये ऐसे जब 2 डिजिट हो जा रही है तो उन्हें जोड़ के लिखा है, आर कितने पे आता है 18, 8 और 1 9, ऐसे डी का मतलब 4,
ई का मतलब पाँच, ठीक है, तो ये दो तो वैसे ही कट गए। अब ये एल का मतलब क्या होता है, 12, तो 2 और 1 3, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है अलग कौन सा है, तो देखो चिकन जो होते हैं ना, चूजे, वो पानी में नहीं जा सकते, मगर सांप, हंस और क्रोकोडाइल ये तीनों जा सकते हैं। आंसर आ जाएगा ए, ए अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 6 मार्च 2005 को मंडे था, तो 6 मार्च 2004 को क्या हुआ, तो एक दिन पहले आ रहा है ना, एक साल पहले आ रहा है, एक साल पहले आता है तो एक दिन कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा संडे, ए। और ये चीज़ देख लेना कि लीप ईयर तो नहीं बन रहा है बीच में, लीप ईयर इसमें बन नहीं रहा है, इसीलिए एक दिन, अगर लीप ईयर होता तो 2 दिन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है विषम बताना है कि इसमें से लेटर कौन सा विषम है। देखो लेटर की बात कर रहा है, वर्ड मत देखना, लेटर देखना, ई ओ ए, ये क्या है वाउल, और ये वाउल नहीं है, इसमें वाउल से शुरुआत नहीं हो रही, इनमें वाउल से शुरुआत हो रही है, ठीक है, इसीलिए लेटर देखने की बात करी, वर्ड नहीं। ये चीज़ों का ध्यान रखना, बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसे। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना ध्यान रखना, जय हिंद जय भारत।